गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे क्वालिफायर दो के मुकाबले में एक बार फिर से मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर गुजरात टाइटंस के सुपरस्टार बल्लेबाज शुभमन गिल भारी पड़ते नजर आए। हालांकि उनका इस मुकाबले में कुछ ऐसे जीवनदान भी मिले जिससे कि वह एक बड़े स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हो सके। तो कैसा रहा शुभमन गिल का गुजरात टाइटंस के पहले इनिंग में योगदान, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों आपको बता दें, गुजरात और मुंबई के बीच चल रहे क्वालिफायर दो में बारिश के खलल के बाद हुए टॉस में गुजरात को हराकर मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इस फैसले को पर एक बार फिर से गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने उसी बारिश का पानी फेर दिया जिसमें सबसे बड़ा योगदान एक बार फिर से शुभमन गिल ने दिया। आपको बता दें कि एक बार फिर से अपने लाजवाब बल्लेबाजी से सबको हैरान करते हुए शुभमन गिल ने इस मुकाबले में भी शतक जड़ा और मुंबई के गेंदबाजों को लगातार दबाव में बनाए रखा। यही कारण था कि मात्र 10 ओवर में ही मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया था। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से गुजरात की तरफ से इनिंग की शुरुआत करने शुभमन गिल और दिमान साहा मैदान पर आए थे। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की, लेकिन एक बार फिर से मुंबई के धाकड़ स्पिन गेंदबाज पीयूष चावला ने रिद्धिमान साहा को 18 रनों के निजी स्कोर पर वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा ने इस पारी के दौरान 16 गेंद में 3 चौके लगाए। रिद्धिमान साहा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए शायन सुदर्शन ने शुभमन गिल के साथ मिलकर गुजरात के पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर किया। इसके बाद एक बार फिर अपने बल्लेबाजी से शुभमन गिल ने मुंबई के गेंदबाजों की धुलाई करनी शुरू कर दी और मात्र 35 गेंदों में एक और शतक तक पहुंचने में कामयाबी दर्ज की जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 लाजवाब छक्के जड़े थे। आपको बता दें, शुभमन गिल ने आज तक किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा, चाहे वह पिछले मुकाबले के सुपरस्टार गेंदबाज आकाश ही क्यों न हो। उन्होंने आकाश के दूसरे ओवर में पहले ही गेंद पर छक्का जड़ा, इसके बाद एक बार फिर उन्होंने दूसरे गेंद पर भी आकाश के ओवर में छक्का जड़ा। आज मुंबई को उसे गलती का एहसास दिलवा दिया जिसका मुंबई के बेहतरीन फील्डरों में से एक टीम डेविड ने किया था। आपको बता दें, टीम डेविड ने शुभमन गिल का कैच उस समय छोड़ दिया जिस समय शुभमन गिल 30 रनों पर थे और यहां से एक बार फिर शुभमन गिल ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और गुजरात को 200 के करीब ले जाने का प्रयास किया। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि मानो इस मुकाबले में मुंबई कहीं से भी जीतने के आसपास नहीं है। दोस्तों बात करें मुंबई के गेंदबाजों की, तो मुंबई की तरफ से पीयूष चावला को छोड़ दें तो किसी भी गेंदबाज ने विकेट लेने में कामयाबी दर्ज नहीं की। यही कारण रहा कि रिद्धिमान साहा के आउट होने के बाद भी गुजरात के बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर मुंबई के गेंदबाजों को छक्के छुड़ाकर रख दिए। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर एक बार ऐसा एहसास होने लगा कि मुंबई के गेंदबाज एक बार फिर से वही पुरानी रंगत में लौट चुके हैं और यहां से एक बार फिर उनके बल्लेबाज जमकर धोने में कामयाब हो रहे हैं और इसी कारण से आज कप्तान रोहित शर्मा भी लगातार दबाव में नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये देखना दिलचस्प होने वाला था कि क्या गुजरात यहां से 200 के पहाड़ बनाने में कामयाब हो पाती है और मुंबई को हराकर चेन्नई को फाइनल में चुनौती देती नजर आती है या नहीं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गुजरात आज के मुकाबले में जीत दर्ज कर चेन्नई को रविवार को इसी मुकाबले पर चुनौती देगी या फिर मुंबई इंडियंस यहां से कोई कमाल करने में कामयाब हो पाती है और सबको चौंकाते हुए एक बार फिर से फाइनल तक पहुंचने में सफल हो पाती है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वहीं इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।